हेलो एवरीवन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम ग्राफ थ्योरी का कंसेप्ट कवर कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बेसिकली दो डिफरेंट टाइप से होती है, एक होती है एडजेसेंसी लिस्ट और एक होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो दोनों को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे और एक दो क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है? इट इज़ अ वे ऑफ टू रिप्रेजेंट एक ग्राफ विदाउट मल्टीपल एजेस एंड इट स्पेसिफाइज ऑल द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू ईच वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ, कि हर वर्टेक्स के जितनी भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उसको हम सीधा सीधा लिस्ट करते चलते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे वर्टिसेस मैंने मार्क कर रखी हैं, अब इसकी मुझे एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो देखो, वर्टेक्स ए, इस वर्टेक्स के एडजेसेंट जितनी भी वर्टेक्स हैं वो मुझे यहाँ पे सारी लिखनी है। कौन कौन सी हैं? बी, और एडजेसेंट होती हैं जो बिल्कुल साथ में लगी हुई हैं, डायरेक्ट एक एज है। सो बी है, सी है और ई है, ठीक है। ऐसी अब आप लिखो बी की, बी की एडजेसेंट कौन सी है? सिर्फ एक ए है। सी के देखो ए है, डी है और ई है। डी के एडजेसेंट कौन कौन सी हैं? सी और ई, और ई के एडजेसेंट कौन कौन सी हैं? ए, सी एंड डी, ठीक है। सो ये क्या बन गई? ये एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट हो गई इस पर्टिकुलर ग्राफ की। सो दिस इज एन एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल वे है इसको रिप्रेजेंट करना यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ द सेकेंड वे इज टू क्रिएट ए मैट्रिक्स। सो एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज़ एन एन क्रॉस एन 0 1 मैट्रिक्स विद 1 एज इफ आई कॉमा जे एथ एंट्री व्हेन आई एंड जे एन एडजेसेंट एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए आई जे से, और इसकी वैल्यू होती है 1 इफ I कॉमा जे इज एन एज ऑफ G, और 0 होती है अगर एज नहीं है तो, ठीक है। इस एग्जाम्पल की मदद से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में क्या बात कर रहा हूँ। तो सीधा एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होती है और होती क्या है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ इन द वे ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या है? एन क्रॉस एन। एन बेसिकली क्या है इसमें? नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो कितनी है? 1 2 3 4। सो लिख लो इसको ऐसे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 0 1 फिल करना है। 1 कब फिल करेंगे? जब हमारे ये आई और जे एथ टर्म के बीच में कोई एज होगी। सपोज दिस इज आई एंड दिस इज जे। तो देखो, ए और ए के बीच में कोई एज है? नहीं है, तो 0। ए और बी के बीच में कोई एज है? सो 1। ए और सी के बीच में कोई एज है? तो 1। ए और डी के बीच में कोई एज है? सो 1। ऐसे अब यहाँ पे देखो, बी और ए के बीच में कोई एज है? तो 1। बी और बी के बीच में नहीं है, बी सी के बीच में है। B और D के बीच में कोई एज है? नहीं, तो 0। देन C और B के बीच में कोई एज है? तो 1। सॉरी, C और A के बीच में कोई एज है? तो 1। C और B के बीच में कोई एज है? तो 1। C और C के बीच में कोई लूप है? नहीं है, तो 0। C और D के बीच में कोई एज है? नहीं, तो 0। देन D और A के बीच में एज है? तो 1। D और B के बीच में नहीं है, तो 0। D और C के बीच में नहीं है, तो 0। और D और D के बीच में नहीं है, तो 0। तो ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर ली है, ठीक है। सो वही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि दैट इट इज़ एन एन क्रॉस एन 0 1 मैट्रिक्स, और 1 कब लिखना है? जब आई जे एथ एंट्री जो है उसमें आई और जे एडजेसेंट है। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे? देखो, ए और बी के मैंने 1 क्यों लिखा? ए और बी एडजेसेंट है। ए और सी में 1 क्यों लिखा? ए और सी एडजेसेंट है। ए और डी एडजेसेंट है, डायरेक्ट एक सिंगल एज है दोनों के बीच में। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन है और इससे अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो, एन क्रॉस एन होती है, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 4। कौन कौन सी हैं?
ए बी सी और डी, ये चार वर्टिसेस हैं। अब देखो ए और ए के बीच में एज है, नहीं, ए और बी के बीच में एज है तो एक एज को ड्रॉ कर दो। वन का मतलब है कि इनके बीच में एक एज है, ए और सी के बीच में है तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ए और डी के बीच में नहीं, देन बी और ए के बीच में बना चुके हैं, बी और बी के बीच में नहीं, बी और सी के बीच में नहीं, बी और डी के बीच में है सो एक लाइन ये बन जाएगी। देन सी और ए के बीच में बना चुके हैं, सी और बी के बीच में नहीं है, सी और सी के बीच में भी नहीं है, सी और डी के बीच में है तो एक लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी। देन डी और ए के बीच में नहीं है, डी और बी के बीच में बना चुके हैं, डी और सी के बीच में हम बना चुके हैं, डी और डी के बीच में नहीं है। सो दिस इज़ द ग्राफ विद दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो काफ़ी इजी है ये वाला टॉपिक जिसमें हमने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देखी है, दो डिफरेंट टाइप्स देखे, एक होता है एडजेसेंसी लिस्ट को ड्रॉ करना और एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।